हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन द सर्किट शोन बिलो व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर एंड एमीटर। सो बच्चों, यहाँ जो डायग्राम शो किया गया है इसको कहते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट, बिकॉज इसमें इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है 300 वोल्ट, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है 300 वोल्ट एंड हमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा वोल्ट मीटर में, एज वेल एज एमीटर की रीडिंग क्या होगी। तो बच्चों यहाँ हम देख सकते हैं कि जो वी एल है दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, इसकी वैल्यू भी 300 वोल्ट है एंड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर भी 300 वोल्ट है। तो अगर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो दिस इज वी एल, दिस विल बी वी सी एंड दिस इज द करेंट ऑन द फेजर डायग्राम। तो वी एल एंड वी सी एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज है, इट मीन्स हमें वी एल माइनस वी सी की वैल्यू मिल जाएगी जीरो। और यहाँ जो वोल्ट मीटर देगा हमें रीडिंग, वो हमें अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल रीडिंग दे देगा, इट मीन्स वी आर की वैल्यू मिल जाएगी हमें 220 वोल्ट। अब बच्चों हमें करंट आई का आंसर मिलेगा द अप्लाइड वोल्टेज और द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से, क्योंकि इस सर्किट में जो इम्पीडेंस है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी, दिस इज एक्स एल माइनस एक्स सी ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये भी हमें एक्स एल इक्वल टू एक्स सी मिल रहा है बिकॉज वी एल इक्वल टू वी सी है। तो वी एल को हम क्या लिख सकते हैं आई एक्स एल और वी सी को लिख सकते हैं हम आई एक्स सी। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि एक्स एल एक्स सी के इक्वल है। तो ये जो टर्म मिलेगी हमें वो भी जीरो मिल जाएगी। तो इम्पीडेंस इक्वल टू आ जाएगा रेजिस्टेंस। अब जब इसको हम पुट करेंगे तो वी आर की वैल्यू है हमारे पास 220 और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 2.2 एम्पियर। सो करेक्ट आंसर विल बी ओवर हियर ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।